फी क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड ने टेंथ स्टैंड स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है तो जोग्राफी uh, का क्वेश्चन बैंक में सोल्व कर रहा हूँ तो सेकेंड पार्ट है वीडियो का फर्स्ट वीडियो में मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सॉल्व किए सेकेंड पार्ट में मैं अभी जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ ठीक है मैप के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक तो आएगा कि आपको ये जगह दिया होगा वो आपको मैप में मार्क करना है और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैप में से आप मैप दिया होता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपको मैप देखकर आंसर करना है ओके सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सो बिफोर आई बिगिन विद दिस क्वेश्चन लेटेस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एक सॉल्व कैसे करना है आउटलाइन मैप ऐसा दिया होगा तो सॉल्व कैसे करना है देर इज़ वन एग्जाम्पल ये बोर्ड ने टू थाउजेंड नाइनटीन में जब भी पहला जब भी फर्स्ट टाइम सिलेबस आया था तभी कुछ सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किए थे और उसके आंसर पेपर्स भी रिलीज़ किए थे तो उसमें उन लोगों ने दिया था कि मैप कैसे सॉल्व करना है और ये न, और ये हम फॉलो भी करते हैं ठीक है ये ब्राज़ील का मैप है और सपोज वहां पांच क्वेश्चन होंगे तो उन लोगों ने क्या किया है कि सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉट कॉर्ड लेटर मार्क करना है तो हमें क्या करना है ब्राजील का जो मैप है उसमें ड्रॉट कॉर्ड लेटर मार्क करना है तो ये ड्रॉट कॉर्डिलेटर ले ठीक है तो ये कैसे मार्क किया है? देखो हर एक जो ये इंडेक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मार्क्स नहीं मिलने वाले तो जो आपका क्वेश्चन है सपोज क्वेश्चन नंबर वन है तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर यहाँ मार्क किया है हमने और एक उसका एक यूनिक सिंबल होता है तो ये उसका सिम्बॉल है तो ये उन लोगों ने ऐसा मार्क किया हुआ है तो ये जैसे हम यहाँ देखेंगे इंडेक्स में यहाँ जा, जाने के बाद हमें पता चलेगा पता चलेगा कि ये ड्रॉट कॉर्डिलेटर है तो आपको कैसे बनाना है क्वेश्चन नंबर जब भी आप मार्क करते हो तो कुछ यूनिक हर एक चीज देखो अलग अलग है अलग अलग पैटर्न यूज किया हुआ है कोई ये थ्री थ्री मतलब क्या सवाना ग्रास लैंड तो यहाँ दिया है सवाना ग्रास लैंड तो ये थ्री नंबर के लिए उन्होंने अलग तरीके से कुछ मार्क किया हुआ है तो ऐसे अलग अलग आपको डिपेक्ट करना है अलग अलग अः फिगर्स या अलग अलग तरीके से पैटर्न बनाना है और क्वेश्चन नंबर लिखना है और ये नंबर का क्या एक्सप्लेनेशन है ये आपको इंडेक्स में नीचे लिखना है तो ऐसे आपको मैप सॉल्व करना है इंडेक्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी मैप में आपको ऐसा करना ही है ठीक है ये ऐसा मैप दिया रहेगा आपको ये ब्राजील का मैप है ऐसा इंडिया का भी आ सकता है सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन बैंक अब क्वेश्चन है देखो सिक्किम सिक्किम मैप सि, सि, सिक्किम हमें मार्क करना है तो सिक्किम अगर आपको मार्क करना है तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में मिल जाएगा कि सिक्किम कहाँ है याद रखो ये सिक्किम है नेपाल भूटान ये अगर मैप देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर जगह आपको दिखता है तो ये सिक्किम तो ये सिक्किम आपको पूरा शेड करना है या कुछ जैसे भी आप कर सकते हो ठीक है उसके पहले एक बताता हूं आपको जब एक नेशनल कैपिटल होता है कोई भी तो दिल्ली इंडिया का नेशनल कैपिटल है तो नेशनल कैपिटल को मार्क करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं ऐसे अलग अलग सिंबल्स है स्टेट कैपिटल के लिए अलग सिंबल है नेशनल कैपिटल के लिए अलग सिंबल है पोर्ट के लिए अलग सिंबल है एयरपोर्ट के लिए अलग सिंबल है वो हम आगे जाके देखेंगे ठीक है तो सिक्किम हो गया रिवर नर्मदा रिवर नर्मदा वाला अगर आपको देखना है तो अगर आप जाके देखोगे तो ये हमें मिलेगा जो थर्ड चैप्टर है तो जिसमें रिवर्स के बारे में दिया हुआ है इंडियन रिवर्स के बारे में जहां दिया है तो ये ब्राजील का मैप है ये इंडिया का मैप है तो ये रिवर नर्मदा है यहां से नर्मदा स्टार्ट होती है अमरकंटक से स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे फ्लो करके इस तरफ जाती है तो आपको ये पूरा डायरेक्शन दिखाना है अभी परफेक्ट हंड्रेड परसेंट परफेक्ट कोई बना नहीं सकता है क्योंकि ऊपर नीचे है। थोड़ा एक्यूरेसी थोड़ा नाइन्टी परसेंट एक्यूरेसी होगा फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा ठीक है यहाँ नर्म, नर्मदा रिवर है उसके बाद है कोल्ड डेजर्ट अभी इंडिया में दो टाइप के डेजर्ट है एक है हॉट डेजर्ट और एक है कोल्ड डेजर्ट अभी कोल्ड डेजर्ट मतलब क्या लद्दाख लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट तो कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा ये आपको मिल जाएगा जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें आपको दो तो टाइप के डेजर्ट दिखा इन लोगों ने तो ये जो ऊपर है ये कोल्ड डेजर्ट है ये लद्दाख मार्क करना है आपको पूरा रीजन मार्क करना है और उसको अलग तरीके से शेड करना है और उसको इंडेक्स में दिखाना है थार डेजर्ट अगर आपको पूछेंगे तो ये आएगा हॉट डेजर्ट मतलब थार डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट मतलब लद्दाख ठीक है वन हॉर्न ड्रायनासोरस वन हॉर्न डायनासोरस कहा मिलता है मिलता है आसाम में आसाम अगर आप मार्क कर आसाम में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको वन हॉर्न डायनासोरस मिलेगा ये आसाम का मैप है या आसाम है आसाम में आपको यहां मार्क करना है आसाम जहां लिखा है यहाँ मार्क करना है यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां वन ऑन रायना है ठीक है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ इंडिया अभी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट सो दो स्टेट है देखो क्वेश्चन हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया साउथ इंडिया के बारे में स्पेसिफिक पूछा है तो आपको साउथ इंडिया के बारे में ही लिखना है नॉर्थ इंडिया अगर पूछते हैं तो नॉर्थ इंडिया के बारे में आएगा नॉर्थ इंडिया में देखो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल ये है नॉर्थ इंडिया में ठीक है ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है अभी हमें पूछा है साउथ इंडिया तो आप कोई भी एक मार्क कर सकते हो तमिलनाडु या फिर केरला ठीक है हर एक देखो हर एक मैप में यहाँ आपको इंडेक्स मिलेगा इसे आपको भी इंडेक्स बनाना है इंडेक्स से हम पता लगा सकते हैं कि क्या आपने मार्क किया है उसके बाद मुंबई मेजर पोर्ट मुंबई पोर्ट आपको मार्क करना है अभी एक कैसे मार्क करोगे जहां मुंबई है वहां आपको मार्क करना है तो आपको डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो पोर्ट जब भी पोर्ट जब भी हम मार्क करते हैं तो उसके लिए यूनिक सिंबॉल होता है वो सिंबॉल हमें यूज करना है ठीक है तो अगर आप देखोगे तो यहां मुंबई पोर्ट है यहां आपको मार्क करना है अगर पोर्ट मार्क करना है ये देखो कोचिन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आपको ऐसा सिंबॉल यूज करना है पोर्ट को मार्क करने के लिए ये सिंबॉल पोर्ट मार्क करने के लिए यूज होता है याद रखो ये।, ये ऐसे ही मार्क करना है आपको यहां मुंबई पोर्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मैप दिया हुआ है ये रेलवे सॉरी पोर्ट और नेशनल हाईवे का मैप मैप दिया हुआ है तो ये देखो पोर्ट कैसे मार्क किया है ऐसे ये सिंबल है पोर्ट मैप मार्क करने के लिए गोल्डन कॉटर लटल के लिए तो ये देखकर इंडेक्स देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा है वे ठीक है तो क्वेश्चन देखो विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप तो कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दो है एक है रोडवेज है दूसरा पोर्ट वाटरवेज है वो रोडवेज एंड वाटरवेज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे मोर रेलवे कहाँ आपको ज्यादा दिख रहा है रेलवे देखो ये uh, सॉरी ये रेलवे का मैप नहीं है गलती से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें रेलवे के बारे में रेलवे के बारे में शायद नहीं दिया है तो अगर हम मैप यहाँ देखेंगे तो यहाँ रेलवे का आपको एक अलग मैप मिल जाएगा ठीक है ये रेलवेज़ का मैप है अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ आपको रेलवेज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ऊपर तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में रेलवेज़ का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो एरिया है यहाँ रेलवे का डेंसिटी ज़्यादा है बाकी कंट्री में देखोगे तो रेलवे लाइन्स बहुत कम है लेकिन यहाँ रेलवे लाइन्स बहुत ज़्यादा है तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स या नॉर्थ इंडिया लिख सकते हो नेम फाइव इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया फाइव पोर्ट्स लिखना है आपको तो देखो यहां से स्टार्ट कर सकते हो आप कांडला पोरबंदर मुंबई उसके बाद आ सकते हो कोचिन उसके बाद चेन्नई विशाखापट्टनम कोलकाता इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो आपको जो याद है या वो लिख सकते हो या मैप में देख के लिख सकते हो ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडिया हैजार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे नेटवर्क मतलब क्या कि रेलवे का नेटवर्क वहां रेलवेज का डेंसिटी कम है रेलवे लाइन्स का डेंसिटी कम है तो देखो यहां राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ रेलवे लाइन्स कम है और ऊपर देखोगे तो यहाँ कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेलवे लाइन्स कम है तो कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात अभी ऊपर इसका देखेंगे हम तो यहाँ हिमालयन माउंटेन्स है तो बिकॉज ऑफ माउंटेन द डेंसिटी ऑफ रेलवे रेलवे नेटवर्क इज पार्स यहां भी माउंटेनज एरिया है इसलिए रेलवे कम है यहां देखोगे तो यहां डेजर्ट है और राजस्थान का राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट है गुजरात के भी यहाँ रन ऑफ कच और डेजर्ट है तो यहां रेलवे लाइन कम है ये रीजन है डिजर्ट यहाँ माउंटेनस रीजन देन राइट एनी वन मेजर पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट अभी हमें पूछ रहे ये वेस्टर्न कोस्ट के बारे में तो ये वेस्टर्न कोस्ट है तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हो कांडला पोरबंदर मुंबई उसके बाद कोचिन इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो ठीक है ये था मैप बेस्ड क्वेश्चन थे आ, ये आपको ऐसे लिखना है कि राइट right वन यहां से देख आंसर लिखना है दूसरा ब्राजील का मैप है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील अभी पेंटनल आपको शो करना है तो यहां दिया है देखो ये मैप में अगर आप देखोगे तो ये पेंटनाल दिया हुआ है यहां आपको मार्क करना है पेंटनल ठीक है उसके बाद थॉनी एंड बुश टाइप वेजिटेशन थॉनी वेजिटेशन कहाँ है ब्राजील में तो अगर आप देखोगे तो जोग्राफी टेक्सट बुक में अगर आप जाते हो तो फिफ्थ चैप्टर में आपको वेजिटेशन के बारे में दिया हुआ है तो यहाँ देखो दिया है थोनी सॉरी इंडिया के ब्राजील का मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया है देखो थोनी श्रब्स येलो कलर तो ये देखो इंडेक्स में देख के मैंने यहाँ पता लगा है कि यहाँ ये यह पूरा रीजन आपको मार्क करना है कटिंगा बोलते हैं उसे थोनी श्रब्स को कटिंगा भी पूछ सकते हैं या थोनी श्रब्स कहाँ है ये भी पूछ सकते हैं ड्रॉट कोडिलेटर भी ब्राजील का यहीं आता है ड्रॉट मतलब क्या पानी की कमी जहां पानी की कमी होती है वहां थॉनी ट्रीज होती है पेम्पास ग्रासलैंड लैंड पेम्पास ग्रासलैंड कहाँ है सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में यहाँ पेम्पास ग्रासलैंड है तो मार्क करना है आपको उसके बाद ये क्वेश्चन अलग है ये क्वेश्चन अलग है लेकिन इसके आंसर्स पूरे ये मैप में कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन कॉफी ब्राजील में कहा प्रोड्यूस होता है वो आपको मार्क करना है ठीक है अगर आप मैप में देखोगे तो ब्राजील के टेक्स्ट बुक में देखोगे तो जो एथ चैप्टर है उसमें आपको दिखेगा कि कौन से क्रॉप्स कौन से प्रोडक्शन कौन से क्रॉप्स का कहा लिया जाता है तो कॉफी देखना है हमें ये कॉफी का सिम्बॉल इन्होंने यूज किया है तो ये देखो ये रीजन है कॉफी जहां प्रोड्यूस होता है ज्यादा तो ये रीजन आपको शेड करना है यहाँ यहाँ सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस होता है ठीक है उसके बाद एमा, एमापा, हाई अर्बनाज, हाई अर्बनाइज हाई अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ नॉर्थ अभी एमापा कहा है ये अभी आपको देखना है तो ब्राजील में वापस आप जाओगे उसके बाद जो ये जो चैप्टर है इसमें आपको डेंसिटी कौन से स्टेट में ज्यादा है तो यहां दिखेगा ये यह है एमापा यहाँ हाई डेंसिटी तो नहीं लग रहा है लेकिन क्यों क्वेश्चन दिया है मुझे लगता है, ये गलत है. लेकिन आपको अगर है तो यहाँ क्वेश्चन आई थिंक मुझे यहाँ देखो ये, ये मनौस है अगर आप चैप्टर में जाके देखोगे जहां पोर्ट के बारे में दिया हुआ है वहां भी आपको ये मनाउस के बारे में मिल जाएगा मनाउस बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पोर्ट है ब्राजील का ये देखो यहाँ मार्क किया हुआ है पोर्ट ठीक है उसके बाद ये मैप देख के देखकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वॉट इज द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड इन एमेजॉन रिवर बेसिन अभी एमेजॉन रिवर बेसिन कहाँ है आपको पता है ये ये जो ग्रीन कलर है इसका एल्टीट्यूड कितना है हमें देखना है तो यहां से देखोगे तो देखो यहाँ है जीरो टू टू हंड्रेड मीटर इतना एल्टीट्यूड है जीरो टू टू हंड्रेड मीटर अमेजॉन बेसिन में एल्टीट्यूड है जीरो टू टू हंड्रेड मीटर इन हाइट यहाँ दिया है देखो इंडेक्स में उसके बाद बिटवीन विच टू हाईलैंड इज द एमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड अभी ये अमेजॉन रिवर बेसिन है यहाँ है ब्राजीलियन हाईलैंड यहाँ है गोयना हाईलैंड सो इट इज लोकेटेड बिटवीन गोएना हाईलैंड इन गोयेना हाईलैंड एंड ब्राजीलियन हाईलैंड राइट द पीक राइट द हाइट ऑफ द पीक पीकोडी नेबलीना अभी यहां पीकोडी नेबलीना दिया है पीक देखो कैसे मार्क करते हैं ट्राइंगल मार्क बनाना है आपको और शेड करना है कोई भी पीक अगर आपको पूछते हैं मैप में तो ये उसका सिंबल आना चाहिए तो 3014 मीटर इतना उसका हाइट है यहाँ दिया हुआ है पीकोडी नेबली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको मैप मार्किंग में भी आ सकता है uh, उसके बाद क्वेश्चन है राइट द हाइट ऑफ पिक पिकोडी नबली हो गया कटिंगा एरिया इज फाउंड इन विच डिरेक्शन ऑफ ब्राजील अभी कटिंगा कहा है यहां मैंने दिखाया था यहां कटिंगा है तो कटिंगा आपको कहां मिलेगा नॉर्थ ईस्ट ब्राजील में मिलेगा ये नॉर्थ है ये ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट ब्राजील में या ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में भी लिख सकते हो नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में आएगा आपको उसके बाद क्वेश्चन सॉरी उसके बाद क्वेश्चन है विच ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ ब्राजील ये ग्रास लैंड है पेम्पास ये ग्रास लैंड है पेम्पास आपको यहां मिलेगा ये आएगा आ, सवाना ग्रासलैंड तो बनाना कैसे पहले बताया स्टार्टिंग में अभी थार, डेजर्ट मार्क करना है। थार डेजर्ट मतलब क्या जो हॉट डेजर्ट है ये आपको कहा मिलेगा हॉट डेजर्ट मैंने बताया था हॉट डेजर्ट आपको मिलेगा राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में जो वेस्टर्न राजस्थान है वहां हमें हॉट डेजर्ट मिलता है जो थार डेजर्ट है ये है हॉट डेजर्ट हॉट डेजर्ट मतलब थार डेजर्ट ठीक है लद्दाख लद्दाख हमें मार्क करना है तो ये कोल्ड डेजर्ट का एरिया को बोलते हैं लद्दाख ठीक है जीरो टू ट्वेंटी परसेंट अर्बनाइज स्टेट ऑफ ईस्ट ऑफ इंडिया टू परसेंट अर्बनाइज स्टेट ऑफ ईस्ट ऑफ इंडिया ईस्ट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है तो आंसर है ओडिशा इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में अगर आप पेज नंबर फोर्टी पर आते हो तो यहां स्टेट दिए हुए है कि जीरो टू ट्वेंटी कौन से स्टेट्स है तो हिमाचल प्रदेश बिहार आसाम और ओडिशा है इस... लेकिन इसमें से ओडिशा आता है ईस्ट में तो ओडिशा आंसर आएगा एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट एट द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया अभी एप्पल कहाँ प्रोड्यूस होता है वो पूछा है तो एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट एट नॉर्थ ऑफ इंडिया तो इसमें इसका आंसर आ सकता है जम्मू कश्मीर और कश्मीर आ सकता है अभी कश्मीर स्टेट नहीं है तो आप हिमाचल प्रदेश भी इसका लिख सकते हो हिमाचल प्रदेश में, प्रदेश में भी एप्पल मिलते हैं चेन्नई पोर्ट अभी mark कर रहे हैं तो चेन्नई पोर्ट कहाँ आएगा मैंने दिखाया था, दिखाया था आपको चेन्नई पोर्ट आएगा यहाँ नीचे साउथ

विंध्यास एक्ट एज अ वॉटर डिवाइड बिटवीन विश टू रिवर बेसिन डिवाइडर विंध्या विंध्यास के नॉर्थ में आता है नर्मदा रिवर सिस्टम नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम सॉरी गंगा रिवर सिस्टम साउथ में आता है नर्मदा रिवर सिस्टम तो विंध्यास एक्टिंग एज अ वॉटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा सॉरी गंगा रिवर सिस्टम एंड नर्मदा रिवर सिस्टम उसके बाद आएगा राइट द नेम्स ऑफ साउथ फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुला अभी ये है पेनिंसुला पेनिनसुला इंडिया यहां है इसमें दिया नहीं है वो आंसर गलत मैप दिया है वापस इसका आंसर आपको जो रिवर वाला मैप ये उसका आंसर है ये है प्राणहिता जो साउथ की तरफ आती है एंड इट इज पार्ट ऑफ गोदावरी रिवर बेसिन ठीक है सो आंसर इज प्राणहिता रिवर एंड इट इज पार्ट ऑफ गोदावरी रिवर बेसिन राइट द नेम्स ऑफ प्लाटूज बिटवीन अरोली माउंटेन एंड छोटा नागपुर प्लाटू अभी वापस आपने क्या पूछा है कि आरोली माउंटेन और छोटा नागपुर प्लाटो के बीच में कौन से सॉरी आरोली माउंटेन और छोटा नागपुर प्लाटो के बीच में कौन कौन से uh, दूसरे प्लाटूज है तो ये आरोली माउंटेन्स है यहाँ आएगा मेवाड़ प्लाटू मालवा प्लाटू बुंदेलकन प्लाटू बाघेलकन प्लाटू तो चार प्लाटूज है आरोली और छोटा नागपुर के बीच में पहला है मेवाड़ प्लाटू मालवा प्लाटू बुंदेलकन प्लाटू बाघेलकन प्लाटू ठीक है उसके बाद आ, नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा पीक है महेंद्रगिरी तो यहां आपको महेंद्रगिरी मिलेगा ये ये ईस्टर्न घाट से ये आपको मिलेगा यहाँ महेंद्रगिरी अगर आपको पूछते हैं कि वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा पीक कौन सा है तो यहाँ आएगा अनायमुढ़ी तो ये अनायमुी आंसर है ईस्टर्न घाट का महेंद्रगिरी वेस्टर्न घाट का अनायमुढ़ी याद रखो दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन विच डिरेक्शन डज द हाइट ऑफ सहयाद्री इंक्रीज सहयाद्री का हाइट कहाँ से इंक्रीज कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं सयादरी में तो हाइट इंक्रीज होता है सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द हाइट ऑफ सयादरी इज इंक्रीजिंग ठीक है देन अगेन ब्राजील का मैप है तो यहाँ आपको दिखा शो करना है कॉन्डोर जो बर्ड है वो कहाँ मिलता है ठीक है तो ब्राजील में अगर आप जाते हो मैप में अगर जाके देखते हो तो यहाँ आपको जो एंडस माउंटेन के यहाँ का पार्ट है नॉर्दर्न ब्राजील में आपको कोंडोर मिलेगा तो यहाँ दिया हुआ है मैप में ये देखो ये कोंडोर है तो यहाँ आपको मार्क करना है ये रीजन मार्क करना है तो वहां आपको कोंडोर मिलेगा नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विथ लेस पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है ठीक है तो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में जाएंगे हम वहाँ अगर आप जाके देखते हो तो ये ब्राज़ील का मैप है नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कोई भी ढूंढ सकते हो जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है कोई भी लिख सकते हो रो रही भी आप आंसर लिख सकते हो सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विथ प्रोड्यूसर सोयाबीन तो सोयाबीन कहाँ प्रोड्यूस होता है ये आएगा इकोनॉमी uh, वाला इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन वाले चैप्टर में आओगे तो यहां आपको दिखेगा यहाँ दिया है उन्होंने सोयाबीन कहाँ प्रोड्यूस होता है ठीक है तो सोयाबीन यहाँ प्रोड्यूस होता है ये यहाँ ये जो सोयाबीन का सिम्बॉल है ये सोयाबीन बहुत जगह प्रोड्यूस होता है पूरे कंट्री में आपको दिखेगा यहाँ भी दिखेगा यहां दिखेगा सोयाबीन यहां दिखेगा लेकिन पूछा क्या है उन्होंने सदर मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील साउथ में सबसे जो स्टेट है ये ये स्टेट में सोयाबीन है तो स्टेट का नाम क्या है रियो ग्रैंडेड डोसुल विक्टोरिया पोर्ट विक्टोरिया पोर्ट जो ब्राजील में है वो कहाँ है पूछा है ठीक है तो हम अगर लास्ट चैप्टर में जाके देखेंगे तो वहां हमें पोर्ट और जो ब्राजील का रोड रोडवेज है रेलवेज है उसके बारे में दिया हुआ है तो विक्टोरिया पोर्ट आपको मिलेगा यहाँ यहाँ याद रखना है यहां विक्टोरिया पोर्ट है ब्राजील में ठीक है देन रियो रियोडी जेनोरिया रियोडी जेनोरियो टूरिस्ट प्लेस रियोडी जेनोरियो यहाँ मार्क कर सकते हो आप ठीक है ये रियोडी जेनोरियो है देन ब्राजीलिया एयरपोर्ट ब्राजीलिया एयरपोर्ट कहाँ है ब्राजीलिया ब्राजीलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राजील का कैपिटल है तो यहाँ आपको एरोप्लेन बना के दिखाना है एरोप्लेन एक सिंबॉल होता है एयरपोर्ट दिखाने का रेलवेज का ये सिम्बॉल है उसके बाद एयरपोर्ट का ये है पोर्ट का ये है टूरिस्ट प्लेसेस का ऐसा है कैपिटल कैसा है कैपिटल ऐसा ही सिम्बॉल आपका आना चाहिए कोई अलग सिम्बॉल नहीं बना सकते हो आप पोर्ट का भी ऐसे ही सिंबॉल आना चाहिए ठीक है देन ब्राजीलिया एयरपोर्ट हो गया अभी यहाँ मैप दिया हुआ है वापस उसमें से आपको आंसर करना है क्वेश्चन ये रेलवेज सॉरी रोडवेज और पोर्ट्स का मैप दिया हुआ है इंडिया का तो उसमें से क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चंस हमें आंसर करने हैं इन विच मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द मैप सो कौन सा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है यहाँ यहाँ दिया है रोडवेज और वाटरवेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज अ डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर तो ये दूसरे मैप में था उसमें मैंने बताया था कि नॉर्थ इंडिया में डेंसिटी ज्यादा है रेलवेज का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में कौन से पोर्ट है ये ईस्ट है या वेस्ट है वेस्ट का हमने देखा था मुंबई पोरबंदर यह सब ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा है विशाखापट्टनम और चेन्नई और आप कोलकाता भी लिख सकते हो ठीक है ठीक है ये टुटी भी पोर्ट है यहाँ दिया नहीं है लेकिन टुटी भी पोर्ट है चेन्नई भी है काकीनंदा भी पोर्ट है लेकिन जितना दिया है मैप में उतना ही लिखो विशाखापट्टनम लिखो कोलकाता लिखो चेन्नई लिखो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो ये क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज अ डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर तो मैंने एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में नॉर्दन पार्ट ऑफ इंडिया जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाला एरिया है वहां रेलवेज का डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि फ्लैट लैंड है वहां लोग भी ज्यादा अवेलेबल है विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पार्स नेटवर्क कहाँ है कहाँ आपको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत कम मिलेगा तो आप देखोगे तो ये वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया वेस्टर्न राजस्थान गुजरात का कुछ पार्ट वेस्टर्न रन ऑफ कच ये वाला पार्ट क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ डेजर्ट है पूरा नॉर्थन सॉरी जम्मू कश्मीर हिमालयन एरियाज यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है यहाँ भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत कम है इसका रीजन क्या है रीजन क्या है यहाँ आपको हिमालयन माउंटेन मिलेगा माउंटेनज एरिया मिलेगा यहाँ डेजर्ट मिलेगा और यहाँ भी डेजर्ट है ठीक है जो रन ऑफ कच है तो ऐसे जहां एरियाज होता है जहां डेजर्ट होता है माउंटेन होता है वहां आपको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत कम मिलेंगे तो यहां इसका ये रीजन है सो नेम द बिच पार्ट ऑफ इंडिया एज अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट तो आपको आएगा आंसर आएगा वेस्टर्न राजस्थान पार्ट्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जम्मू कश्मीर देन विच हाईवे कनेक्ट्स कन्याकुमारी एंड श्रीनगर कन्याकुमारी यहाँ आएगा और ये जो रेड कलर का लाइन है ये रेड कलर का हाईवे जाता है श्रीनगर तक तो कौन सा हाईवे नॉर्थ साउथ हाईवे तो ये लाइन देख कर, ये जो कलर है ये देखकर मैं यहाँ से आंसर करूँगा इंडेक्स ए नॉर्थ साउथ हाईवे देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट वेस्ट हाईवे ज्वाइंस विद टू सिटीज अभी नॉर्थ और साउथ हाईवे देखा हमने अभी हमें देखना है ईस्ट और वेस्ट हाईवे जो ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन है तो यहां से स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है पोरबंदर से यहाँ आप देखोगे तो नीचे आ रही है लाइन ये जो ग्रीन कलर है आगे जाके ब्लू और ये आती है पोरबंदर तक सो तो पोरबंदर से लेकर ये जाता है ये लाइन जा रही है सिलचर तक पोरबंदर इन गुजरात टू तो सिलचर इन आसाम तो यहां तक ये जो ईस्ट वेस्ट हाईवे कनेक्ट होता है पोरबंदर से लेके सिलचर तक पोरबंदर इन द वेस्ट सिलचर इन द ईस्ट ठीक है देन ईस्ट वेस्ट हाईवे हो गया कन्याकुमारी हमने देखा स्पार्स नेटवर्क की हुआ है अभी ब्राजील के मैप मार्किंग देखनी है हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजी है पीकोडी नेबली ये आपको मार्क करना है तो वापस मैं दिखाता हूँ कहां है हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील अगर आपको देखना है तो थर्ड चैप्टर में यहां दिया हुआ है पीकोडी नेबली यही सिंबॉल आना चाहिए उसका देन ड्रॉट क्वारेटर रीजन ड्रॉट क्वारेटर क्या है ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फिर भी मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ ड्रॉट कॉर्डिलेटर आएगा यहाँ ये जो कटिंगा वाला एरिया था जो हमने पहले देखा था ये जो पार्ट है यहाँ ड्रॉट क्वारेटर है ठीक है ये मैप में भी दिया है देखो ये जो ड्रॉट क्वारेटर है यहाँ मार्क किया हुआ तो ये ड्रॉट क्वारलेटर है कटिंगा उसके पास पास में है ड्रॉट मतलब क्या है पानी की बहुत कमी रहती है रीजन वेर एनाकोंडासउंड एमेजॉन रिवर बेसिन एंड पेंटानस हमें मिलते हैं ये एनाकोंडास का है है ये और नियर तो पेंटनाल मिलते हैं तो यहां आपको मार्क करना है पेंटानल और अमेजॉन रिवर बेसिन याद रहे इसलिए मैंने लिखा है ये आपको मैप में मार्क करना है आंसर नहीं लिखना है पेम्पास ग्रास लैंड पेम्पास ग्रास लैंड हमने देखा था यहाँ है पेम्पास ग्रास लैंड ठीक है यहाँ सवाना ग्रास लैंड है ये भी याद रखो इंपॉर्टेंट है ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है देन स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील ये आएगा ये स्पेलिंग है उसका एस स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील आपको कहां मिलेगा अगर आप देख जाके देखते हो तो यहां मैप में दिया हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ब्राजील के है ये देखो उसका ये आंसर है यहां, यहां मार्क करना है स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजीलनाज सबसे बड़ा स्टेट है लार्जेस्ट स्टेट है एमेजोनाज एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है Surge, Sur

ये एडवर्टाइज uh, दिख रहा है नेम ऑफ द वीडियो इज टेंथ महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री एंड जोग्राफी सैम्पल क्वेश्चन पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बोर्ड ने कुछ साल पहले सैंपल पेपर रिलीज किया था और उसके सोल्यूशन भी दिए थे तो ये आपको टाइटल सर्च uh, करना या फिर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में यहाँ उन लोगों ने क्वेश्चंस दिए थे क्वेश्चन पेपर का ये लिंक है आंसर पेपर का लिंक है ऐसे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस दिए थे हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस दिए थे ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और इसके मैप मार्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो मैप इसमें दिए हुए मैप भी सॉल्व करो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैप आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू अगर आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक like करो, uh, करो और शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और थैंक यू फॉर वाचिंग